ये है पल्सर बाइक, और इसका प्रॉब्लम था ये आगे का चक्का लॉक हो गया था, और इसका लॉक होने का कारण आपको दिखाते हैं। ये देखिए इसका बियरिंग का हालत, इसका बियरिंग इस ऑनर ने शायद इसका सर्विस ठीक से नहीं कराया, और इसका बियरिंग पूरा टूट के ख़राब हो चुका है, इसी के कारण चक्का लॉक हो गया था। और इसका डिस्क का भी हालत ख़राब है, ये इसका डिस्क पिस्टन, ये सब अभी नया डालेगा। पूरी तरह लॉक होने का कारण यही है, इसका हालत देख सकते हैं आप सब, पूरी तरह हर चीज़ ख़राब हो चुका है। और ये इसका चक्का, और इसमें हम नया बैरिंग डालेंगे, और इसका डिस बॉकेट, इसका मास्टर किट नया डालेंगे अभी। और इसका मास्टर किट का हालत ही देखिए, ये इसका मास्टर किट जो पूरी तरह ख़राब हो चुका है, ये बियरिंग ख़राब इसलिए होता है कि आप जब भी अपना गाड़ी ठीक से सर्विस ना करें, इसी के कारण इसका ग्रिज जो होता है वो सूख जाता है, सूखने का कारण ये टूट जाता है। इसलिए 6 मंथ 7 मंथ बाद एक बार अपना बाइक का आगे पीछे का जो टायर है उसको ठीक से आप लोग ग्रीजिंग कराए बियरिंग में, कि आप लोगों को ये परेशानी ना हो आपकी बाइक की जो इस बाइक की हुई है। देखिए पूरी तरह इसका ग्रीस सूख गया है, सूखने का कारण ही ये बियरिंग टूट चुका है, और इसका मुंडी खोल चुके हैं। अभी इसका प्रोसेस चालू होगा बनाने का दोस्तों। ये है पल्सर 180 cc DTSI बाइक, इसका कंडीशन पूरी तरह ख़राब हो चुका है।